हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ट वाइब्स विद दीपान्विता। आज हम फिर से आ गए एक नया दिन में, एक नया रेफरेंस लेके, लेकिन वही पुराना डोम्स का पेपर, नीडेड इरेजर और एक चीज़ नया है, वह है मेरा पेंसिल। यह है चारकोल का सॉफ्ट पेंसिल। देन लेट्स स्टार्ट अवर न्यू प्रोजेक्ट और स्केच। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही हमें एक लाइन ले लेना है जो कि मिडिल में है, और इस लाइन के जरिए हमें पता चलेगा कि फिगर कितना दूर तक आएगा, लेफ्ट में कितना जाएगा, राइट में कितना जाएगा, ये हमें डायरेक्शन देगा। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द बिगिनिंग, समझने में आसानी होगी। फिर आता है उनका सर यानी कि हेड, और हम जो दिख रहे हैं पिक्चर में उनका सर थोड़ा सा हिला हुआ है और नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। हम ये सब देखेंगे, पहले हमको पिक्चर को 10 मिनट तक या कुछ देर तक उनको ध्यान से देखना है। ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका दिखने में कैसा है, क्या कपड़ा पहना हुआ है, ये सब हमारे स्केच में ज़रूरी नहीं है। स्केच में जो ज़रूरी है उनका लाइंस, लाइंस कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रही है, किस लाइन से किस लाइन तक उनका रिलेशन है, ये हमको देखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है किसी भी स्केच या ड्राइंग में, वो है लाइंस। लाइंस अगर जगह पे नहीं हुआ तो पूरा का ड्राइंग ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें क्या हम ड्रॉ कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका लाइंस कहाँ पे है। हमें चलना है लाइंस के मुताबिक, तभी हमें अच्छा आर्टवर्क मिल पाएगा या स्केच जो भी आप कहो। तो इस तरह से हम लाइन को पकड़ते हुए चल रहा है, वो भी बहुत ही हल्के स्ट्रोक से, क्योंकि बिगिनिंग में आपको बहुत ही हल्के स्ट्रोक लेना है। अब बोल्ड स्ट्रोक दे दिया तो उसे मिटाना पड़ेगा। अब जितने भी कम इरेजर को यूज़ करना सीख जाओगे उतने ही आप जल्दी डेवलप कर पाओगे आपका ड्राइंग, और उसके लिए आपको गेस ज़्यादा करना है और पेंसिल कम चलाना है। ये तो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पूरी के पूरा डिटेल्स कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं एक स्केच को वो दिखाने के लिए, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट स्पीड में नहीं दिया। देते तो हम बहुत ही जल्द ख़त्म कर पाते, लेकिन आपको समझने में तकलीफ़ होती किसके बाद क्या जा रहा है और कितना स्पीड में एक स्केच चल रहा है, ओरिजिनल स्पीड।
उनका आईज हमें ड्रॉ नहीं करना है, आईज का पोजीशन को मार्क करना है, और किस तरफ मुड़े हुए है आईज, यानी कि नीचे की तरफ। और आप देख रहे हैं पेंसिल को थोड़ा दूर तक पकड़ना है। जब भी आप स्केचिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आप ऑब्जर्व ज़्यादा करो। लाइंस बहुत ही धीरे धीरे करते रहना है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, हमें मिटाना कम है, सिर्फ लाइंस को सही जगह पे रखना है। हाँ, पहले तो आपको इरेजर यूज करना पड़ेगा। जितने ही दिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइंस कहाँ पे एंड होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तभी आपका सही स्केच हो पाएगा। आप देखेंगे जब मैंने उसका सर बनाया, तो उनका सर को पहले एक ट्रायंगल का शेप दे दिया, क्योंकि वो टिल्ट है नीचे की तरफ, और उनका शेप को पकड़ना है, ना ही उनका फेस को। मेरा कुछ वीडियो है जो कि बेसिक ड्राइंग पे है, जहाँ पे हम शेप को शेड करके उनको 3D फॉर्म दे रहे हैं। उनको प्रैक्टिस करना है कि शेप, बार बार शेप को प्रैक्टिस करना है, किस ड्राइंग कौन सी शेप में आ रहा है। और बिगिनिंग में आपको लाइंस, कार्व लाइंस, ये तो बहुत सारे प्रैक्टिस करना है, हर दिन प्रैक्टिस करना है, 10 मिनट 15 मिनट बस, और बाकी के लिए छोड़ देना है।
देखिए, हम जब शेड कर रहे हैं, क्योंकि डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज, तो स्केच में बहुत सारे डार्क वैल्यूज, बहुत सारे लाइट वैल्यूज, ये सब इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ हैचिंग के मदद से हम डार्क को डार्क और लाइट को लाइट करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि इसमें थोड़ा सा ओवल शेप्ड है या फ्लैट है और कुर्ते की रंग सफेद है। तो इसी तरह से हमारा स्केचिंग लगभग एंड की तरफ है, और इसमें आपको डिटेल्स तो मत देना ही नहीं है, सिर्फ इसका एसेंस को पकड़ना है, और अल्टीमेटली आप जो जिसको विजुअलाइज करना चाह रहे थे वो आया कि नहीं, आपको दिख के पता चल रहा है कि ये आदमी क्या कर रहा है। मेन है स्केचिंग में लाइंस, लाइंस को पकड़ के चलना है, और कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ लाइंस के बारे में ही सोचना है और करते जाना है। तो आज के लिए इतना भी, और आप जितने भी, जैसे भी कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, मैं आपको ट्राई करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, आपका प्यार हमें मिलती रहे, और दूसरे वीडियो लेकर मैं फिर आ जाऊंगी आपके पास। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।